बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में सबसे पहले आएगा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल यानी कि 10 बेस हो गया, ऑक्टल यानी कि 8 बेस हो गया। डेसिमल में 0 to 9 नंबर होते हैं, ऑक्टल में 0 to 7 होंगे, ठीक है। नाउ 253 10 बेस पे, तो डेसिमल में है, इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल बेस में, ये क्या होगा। नो, तो कैसे करना होगा, डेसिमल से किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करते हो, ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 8 से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल में करोगे तो 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करा, 8 into 31 जो भी आएगा, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा, फिर 8 3 जा 24, 7 रिमाइंडर बचा, फिर 8 0 जा 0, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो उल्टा करके लिखना होता है, 3 7 5 ऑक्टल बेस में आ गया। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में होगा, 16 21 से चला, एफ रिमाइंडर बच गया, ठीक है। एफ यानी कि 15 रिमाइंडर बचेगा, फिर 16 एक बार चला, एक बार चल के 5 रिमाइंडर बचा, ठीक है। फिर 16 0 जा 1 रिमाइंडर बचेगा, 15 F उल्टा करके लिखना होता है, 15 F 16 बेस पे आ जाएगा। सो ये कब होता है, डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना होता है, तो डेसिमल से बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ अब बाइनरी से डेसिमल में तो कैसे करना होगा, ये हो गया भैया, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 into 2 की पावर 0, 0 into 2 की पावर 1, प्लस 1 into 2 की पावर 2, प्लस 1 into 2 की पावर 3। फिर डॉट के बाद कैसे लिखना होता है, इंक्रीजिंग पावर में लिखना होता है, 0 into 2 की पावर -1, प्लस 1 into 2 की पावर -2, प्लस 1 into 2 की पावर -3, ठीक है भैया। यहाँ 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ 2 की पावर -1 से स्टार्टिंग होती है डेसिमल के बाद, तो ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो बाइनरी से डेसिमल में आ गया, डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो डिवाइड वाला रूल चलता है। डेसिमल में जाना है, बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो दिस इंटू 2 की पावर ये प्लस दिस इंटू 2 की पावर ये बिट बाय बिट लिखना होता है। जैसे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो कैसे लिखना होगा, b into 16 की पावर 0, 9 into 16 की पावर 1, प्लस a into 16 की पावर 2, ये आपको डेसिमल में मिल जाएगा। अब ए की वैल्यू लिख दो, बी की वैल्यू लिख दो, यहाँ से देख के, ठीक है। अब बाइनरी से हेक्सा में जाना है, ठीक है। बाइनरी यानी कि ये कोड हो गया बाइनरी में। अब बाइनरी से हेक्सा में जाना है तो कैसे करना होता है, चार चार के पेयर्स बनाने होते हैं। तो डॉट के बाद 01 लिखा है, तो 01 को चार पेयर में बनाओगे तो क्या लिखा जाएगा, 0100। तो 0100 हो गया 4, फिर 1011 ये एक पेयर बनेगा, तो 1011 क्या, 1101 क्या होगा, डी होगा। फिर ये 10 दो ही लिखे हुए हैं, तो 00 और ऐड कर दो अपनी तरफ से, तो ये बना 0010, ये होगा 2 का, सो 2D.4, ठीक है। हेक्सा में चार के ग्रुपिंग बनाने होते हैं। अगर आपको बाइनरी से, ऑक्टल से बाइनरी जाना है, बाइनरी से ऑक्टल जाना होता तो क्या करते, तीन तीन के ग्रुप बनाते, ठीक है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है तो चार का ग्रुप बनाया, बाइनरी से ऑक्टल जाना होता तो तीन के ग्रुप बनाते, ठीक है। नाउ अब आता है ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी यानी कि 7 को 3 में करके लिख दिया 111, फिर 5 को लिखा 101, फिर 3 को लिखा 011, फिर पॉइंट 4 को लिखा 100, 2 को लिखा 010, तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। नो, अब जाना है आपको हेक्सा डेसिमल से बाइनरी में, तो चार चार का बना के लिखना होगा, ए को लिखा ये, 2 को लिखा ये, बी को लिखा ये, डॉट सी को लिखा ये, 4 को लिखा ये, तो ये हेक्सा से बाइनरी में हो गया, ठीक है। नो, उसके बाद आता है ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल, तो पहले ऑक्टल से बाइनरी जाओ, फिर बाइनरी से हेक्सा डेसिमल, ये सबसे इजीएस्ट वे है जाने को। ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा भी जा सकते हो, बट ऑक्टल से बाइनरी जाना इजी है, फिर बाइनरी से हेक्सा डेसिमल जाना इजी है, इसलिए ये पाथ आपको लेना होगा। ऐसे ही हेक्सा टू ऑक्टल करना है, तो हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी करो, फिर बाइनरी से ऑक्टल में जाओ, ईजी पड़ेगा। अब आता है नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन तीन तरह से आप कर सकते हो, साइन मैग्नीट्यूड, 1s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन, 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन। नाउ अगर पहला केस आता है, अगर आपका जो नंबर है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है आइदर इन वन ऑफ द फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो अगर पॉजिटिव नंबर है देन इस प्लस साइन के लिए 0 बिट आती है,
साइन मैग्नीट्यूड साइन को भी बिट देना होता है। तो प्लस को 0 देते हैं, नेगेटिव को 1 देते हैं। नाउ 51 का कोड क्या होगा, 110011, ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड में। और चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए 1s कॉम्प्लीमेंट में भी यही रिप्रेजेंटेशन होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट में भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगा। किसका, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। सारी कहानी कब चेंज होती है, जब नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आया +51 की जगह -51। नाउ साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस बिट दिखाने के लिए 1 आ गया, फिर 51 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ मैं -51 को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में करूँगा तो ये आएगा। फिर अगर मैं -51 को 1s कॉम्प्लीमेंट में ले जाना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटेशन 1s कॉम्प्लीमेंट में करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इसमें +1 ऐड कर दोगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसको 1s कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो 1 बिकम्स 0 0 1 1 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये बनेगा भैया, ये 0 0 1 1 0 0 है ना, इसमें +1 ऐड कर दोगे, 1s कॉम्प्लीमेंट से 2s में जाना है तो +1 करना होता है, तो +1 कर देना भैया, और ये 1 किसके लिए आ गया, साइन बिट के लिए आ गया। सो ये 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ नहीं हुआ, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -51 होगा ये। ठीक है भैया, नाउ अब आता है, ये आ गया सारा रिप्रेजेंटेशन, तो साइन मैग्नीट्यूड में ये सब आ गए, 0101 ऐसे ऐसे करके लिख दिया, 0011 0011 0000111, हर जगह ये लिखा आपने, हर जगह ये लिखा। ठीक है, नाउ अगर 000 है साइन मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 0 है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब ये 2 का है, और इसका मतलब ये 3 का है। ठीक है, 0123, यहाँ जो बिट है ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बिट होती है ना, वो साइन बिट, ये भी यहाँ साइन बिट है, तो 0 लिखा हुआ है यानी कि +0 +1 +2 +3 है। यहाँ पे क्या होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट में, ये 1s कॉम्प, अगर 000 1s कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 है ना, यहाँ पे, यहाँ 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर में कुछ नहीं सोचना, 00 किसका कोड है, 0 का, 01 किसका कोड है, 1 का, 10 किसका कोड है, 2 का, 11 किसका कोड है, 3 का। चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन होगा तीनों में। अब बात आती है नेगेटिव की। ठीक है, अब ये जो बिट्स हैं ये 11 हो गई, ये 11 हो गई, ये 11 हो गई। अब आती है बात, तो ये 100 यानी कि 1 का मतलब माइनस, 00 का मतलब 0, 01 इज 1, 10 इज 2, 11 इज 3, 1 की वजह से यहाँ माइनस 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 आ रहा है। ठीक है, नाउ अब ये अगर लिखा हुआ है डेट 111 1s कॉम्प्लीमेंट में किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे करना होगा, 1 का मतलब माइनस, एंड 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो यानी कि 00, तो माइनस 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर 1 का मतलब नेगेटिव साइन। अब 10 अगर ऑलरेडी गिवन है कि 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट कर लो, 10 का कॉम्प्लीमेंट होगा 01, और 01 का कोड क्या होता है, 1। फिर 01 लिखा हुआ है, 1s कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, तो उसको 10 कर लो, 10 किसका कोड होता है, 2 का। अब ये 00 लिखा हुआ है, 00 का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर लो 11, यानी कि 11 इज 3, सो माइनस 1 की वजह से माइनस साइन आ गया हर जगह, एंड कॉम्प्लीमेंट करके आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ 2s कॉम्प्लीमेंट, अब यहां से यहां पे आए साइन मैग्नीट्यूड से 1s कॉम्प्लीमेंट में आए। अब मैं अगर इसमें +1 ऐड कर दूंगा तो ये 2s कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, यहाँ +1 कर दूंगा तो 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मिलेंगी मेरे को। ठीक है, नाउ +1 करा आपने तो क्या होगा, 110 कैरी ओवर 1, फिर 110 कैरी ओवर 1, 110,
ये बनेगा भैया 100 बना, ठीक है ना। अब -0, 2s कॉम्प्लीमेंट में -0 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अगर इस तरह की फॉर्म आती है 100, इसका मतलब, 1 का मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस माइनस एंड माइनस, और ये क्या बनेगा, -4। ये आपको आगे पता लगेगा कैसे, ठीक है ना। अब ये +1 ऐड करोगे तो 111 बनेगा, ठीक है ना। ये 111 बना। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 111 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब तो माइनस साइन है ही, बट ये 111 का मतलब क्या हुआ, ये देखने के लिए कि ये 111 किसका कोड लिखा हुआ है 2s कॉम्प्लीमेंट में, इसको पहले कॉम्प्लीमेंट करो तो 0 0 हुआ, फिर +1 कर दो तो 0 1 हो जाएगा, और 0 1 इज 1 का कोड। फिर 1 0 है तो 1 0 देखना है कि 1 का मतलब माइनस साइन, अब 1 0 देखना है तो 2s कॉम्प्लीमेंट में है ना, तो 1 0 को कॉम्प्लीमेंट करो पहले, 0 1 आएगा, फिर 0 1 में 1 ऐड करो तो क्या आएगा, 110 कैरी ओवर 1, यानी कि 1 0 आएगा वो, हाँ 1 0 आएगा, 1 0 का मतलब 2। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट करो तो 0 1 क्या बन जाएगा, 1 0, फिर 1 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 1 बन जाएगा, यानी कि 3। अब स्पेशल केस आता है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, 100 100 00 वन ट्रिप, मतलब 1 के बाद अगर 0 लगे हुए हैं और ये जो है ये 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो कैसे देखा जाएगा। ये देखने के लिए क्या करना होगा, 1 का मतलब नेगेटिव साइन, एंड जितने 0 हैं उतनी 2 की पावर लिख दो, 2 0 हैं 2 की पावर 2, 4 0 हैं 2 की पावर 4, 4 0 हैं, एन एन नंबर, एन तो बिट्स हैं, एन -1 नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो 2 की पावर n-1, ठीक है भैया। तो ये हो गया, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में स्पेशल चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे आई थी, ठीक है। 100 का -4, क्योंकि 2 0 है तो 2 की पावर 2, 1 की वजह से माइनस साइन, ठीक है। अब भैया बात आती है रेंज ऑफ नंबर फॉर एन बिट्स, ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड में एंड 1s कॉम्प्लीमेंट में, साइन मैग्नीट्यूड एंड 1s कॉम्प्लीमेंट में आप कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, -2 की पावर n-1, -1 से +2 की पावर n-1, -1 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। माइनस के नंबर रिप्रेजेंट हो गए एंड प्लस के नंबर रिप्रेजेंट हो गए, बट 2s कॉम्प्लीमेंट में ये -1 नहीं आता बस, ठीक है। अब ये कैसे आया ये छोड़ दो ना। अब ये बात आती है, सपोज ये लिखा हुआ है कोड 0101, ठीक है। अगर ये 0101 साइन मैग्नीट्यूड में है तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, 0 का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, 0 का मतलब प्लस। अब प्लस है तो हर एक में सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, अब 0 का मतलब पॉजिटिव, 101 का मतलब 5, सो +5 होगा तीनों में। अब बात आती है यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव है तो बात चेंज हो जाती है, साइन मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं देखना, ये हो गया 1 यानी कि नेगेटिव, 1101 13 का कोड तो -13। 1s कॉम्प्लीमेंट में देखने के लिए क्या करना होगा, 1 का मतलब नेगेटिव, 1101 का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या आएगा, 0010, 0010 इज 2 का कोड यानी कि -2। 2s कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट करो तो आएगा 0010, फिर 1 ऐड कर दो तो 0011 यानी कि -3 का कोड। ये -3 का रिप्रेजेंटेशन है इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। नाउ अब आता है 2s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, ठीक है। पहले तो सबसे पहली बात आती है कि ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। 2s कॉम्प्लीमेंट, अब रिप्रेजेंटेशन भूल जाओ, 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले इस टोटल का कॉम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ साइन साइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक बाइनरी नंबर है जो लिखा हुआ है, ठीक है।
इसका 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालना है, 2s कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है, फॉर्म नहीं 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करोगे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे और उसके कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दोगे, तो उस इस चीज़ का 2s कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। ठीक है, चाहे करके देख लेना। शॉर्टकट क्या है, सपोज मुझे इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले 1 तक एज इट इज़ लिख दो और उसके बाद जो भी बचा उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, सपोज 1000 का 2s कॉम्प्लीमेंट मेरे को निकालना है तो पहले 1 तक एज इट इज़ लिख दिया, बचा कुछ भी नहीं तो ये रहेगा। फिर 1001 यानी कि 1 पहले 1 तक एज इट इज़ लिख दिया, फिर 100 का कॉम्प्लीमेंट 011 हो गया, तो 1001 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0111। ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, नाउ स्टेप्स आते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या है, ऐड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड टू द माइन्यूएंड। ठीक है, कैसे बोल रहा है ये भैया, इस तरह से बोल रहा है, सपोज मेरे को एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन में मैं साइन रिप्रेजेंटेशन लूंगा। अब 0 0 है तो हर एक में रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। ठीक है, तो एडिशन करा, 0 0 0 ही रहेगा, 101 000 011 101, तो ये आ गया 0 का मतलब प्लस 13, तो ये ट्रू बाइनरी इसका हो गया। ठीक है, 9, ये 9 का कोड, ये प्लस 4 का कोड, और ये एडिशन करके क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, और वही आया। अब बात आती है इसकी, ये तो 9 हो गया, अब प्लस 9 क्या हो गया, 01001, माइनस यानी कि 14 यानी कि 1100। अब ये 11004 को कैसे लिखा भैया, बात ही आती है। तो ये जो है ऐड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, 9 माइनस 4 करना है। ठीक है भैया, 9 माइनस 4 करना है, तो क्या करना होगा, ऐड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड यानी कि 4 टू द माइन्यूएंड। ठीक है, सो एडिशन किसका करना होगा, 4 के 2s कॉम्प्लीमेंट का, तो 4 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया, नाउ माइनस 4 को आपको लिखना है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, ऐड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड। ठीक है भैया, नाउ 4 का मतलब क्या हुआ, माइनस 4 को साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखोगे, 0100, और ये बिट क्या रहेगी, 1 रहेगी, साइन बिट। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, 1011, उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1100, और ये 1 साइन बिट के लिए रहेगा, तो 11100। ठीक है, अब एडिशन कर दिया, तो क्या कह रहा है, 2s कॉम्प्लीमेंट को ऐड करो, चेक MSB बिट यानी कि साइन बिट, इफ MSB 0 आंसर इज ट्रू बाइनरी, अगर MSB 1 है देन आंसर विल बी इट्स 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया भैया 101000011 and 11 is 0। ठीक है, अब 01 क्या बनेगा भैया, 11 is 0 कैरी ओवर 1, तो 110 कैरी ओवर 1, इस कैरी को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, जो भी कैरी आएगा उसको इग्नोर कर दो, ये साइन बिट है, साइन बिट 0 है, यानी कि आंसर इज ट्रू बाइनरी, और ये 0101 किसका हो गया, कोड 5 का कोड हो गया। ठीक है भैया, ये 5 का कोड हो गया। नाउ अब बात आती है माइनस नाइन कैसे लिखना होगा, पहले तो माइनस के लिए 1 आ गया, फिर 9 का कोड होगा 1001 साइंड उसमें नॉर्मल फॉर्म में, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0110 आएगा, फिर प्लस 1 करोगे तो 0111 आएगा। ठीक है, तो ये इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 हो गया, फिर उसमें प्लस 4 करना है यानी कि 0 फॉर द प्लस साइन एंड 0100 फॉर द 4। एडिशन करा आपने, एडिशन करके ये आया MSB बिट यानी कि साइन बिट 1 आ गई, तो साइन बिट 1 आ गई, तो अब क्या करना होगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट आपको करना होगा। ठीक है, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा भैया, 1 को एज इट इज़ रख दिया, 101 पहले 1 तक एज इट इज़
बाकी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो 101 का कॉम्प्लीमेंट करा तो 010 आ गया। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, 1 का मतलब माइनस, 0101 का मतलब 5। अब आता है ये माइनस 9। माइनस 9 यानी कि आपको 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना होगा, माइनस 4 यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना होगा। नाउ कैरी जो आया इग्नोर कर दो, MSB 1 आ गया, MSB 1 आ गया यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, और 2s कॉम्प्लीमेंट लेके ये आया तो ये माइनस 13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर उसके बाद प्लस 9 एंड माइनस 9 आया, प्लस 9 का कोड ये हो गया, माइनस 9 को 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखना होगा, तो माइनस 9 का 2s कॉम्प्लीमेंट 0111 जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इनका एडिशन करा तो 0000 कैरी को इग्नोर कर दिया, 0 का मतलब प्लस और 0000 का मतलब 0। ठीक है भैया, हैशटैग कैरी मस्ट बी इग्नोर्ड ना, तो कैरी को हर जगह इग्नोर कर दिया आपने, तो कुछ नहीं करना भैया, जहाँ भी जो भी माइनस में है उसको 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखने के बाद अगर जो साइन बिट है वो 0 आती है तो एज इट इज लिखना है आंसर, अगर 1 आती है तो 2s कॉम्प्लीमेंट करके लिखना है। अब 1s कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक आता है, एड द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैहेंड टू द माइन्यूएंड, इफ द कैरी इज जनरेटेड मेक इट एंड अराउंड कैरी, चेक द MSB साइन बिट, चेक द MSB बिट। ठीक है, चेक द साइन बिट, इफ इट इज 0, अगर MSB बिट 0 है आंसर इज ट्रू बाइनरी, अगर 1 आती है तो 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वही सेम चीज है। ठीक है भैया, सेम चीज है, वन एस कॉम्प्लीमेंट में जो भी माइनस वाले हैं उनको 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो, अगर कैरी जनरेट हुआ तो उसको कैरी को एंड अराउंड कैरी बना दो यानी कि ऐड कर दो, फिर उसके बाद MSB बिट यानी कि साइन बिट को चेक करो, अगर वो 0 है तो आंसर इज ट्रू बाइनरी, जो कि आपने यहाँ देखा था सेम चीज़ है, 0 है तो ट्रू बाइनरी, 1 है तो 2s कॉम्प्लीमेंट, यहाँ 0 है तो ट्रू बाइनरी, 1 है तो 1s कॉम्प्लीमेंट, चूंकि 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड चल रहा है।